अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगी कि केवल कतर में नहीं, खाड़ी के छह देशों में लगभग 70 से 72 लाख श्रमिक, भारतीय श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं। बीच बीच में शोषण की शिकायतें आती थी, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि इस शोषण को समाप्त करने के लिए हमारी आज की वर्तमान सरकार ने पुरानी व्यवस्थाओं में भी कसावट लाई है और नई व्यवस्थाएं भी खड़ी की है। जहाँ तक पुरानी व्यवस्थाओं का सवाल है, ओपन हाउस की एक व्यवस्था थी, लेकिन हमने तय किया है कि हमारे एम्बेसडर स्तर पर ओपन हाउस हुआ करेगा। और कुछ तो ऐसे हमारे यहाँ के देश वहाँ के हैं जहाँ एम्बेसडर रोज एवरी डे विदाउट फेल ओपन हाउस करते हैं 11 से 12 बजे तक, जैसे यूएई के एम्बेसडर रोज बैठते हैं। इसी तरह से कतर में जो हमारे एम्बेसडर हैं वो बहुत ज्यादा श्रमिक फ्रेंडली माने जाते हैं। तो ये कहना कि उनका शोषण हो रहा है, कतर की कोई आत्मा ही नहीं है, ये ऐसी बातें यहाँ कहना अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये भी बताती हूँ कि हमने जो नई व्यवस्थाएं खड़ी की हैं उसमें ई माइग्रेट और मदद नाम से एक पोर्टल शुरू किया। ई माइग्रेट में तो सारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है उसको हमने पारदर्शी बनाया, लेकिन जो मदद पोर्टल है उसमें हमने कलर कोडिंग भी रखी है कि आपने कोई बात, कोई शिकायत दर्ज कराई, अगर वो पहले ग्रीन होगा, अगर उतने समय में कर दिया गया तो ग्रीन हट जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ग्रीन का पीला हो जाएगा, और पीले में भी नहीं हुआ तो लाल हो जाएगा। इससे एम्बेसीज में भी प्रतियोगिता बढ़ी है, क्योंकि कोई ये बदनामी नहीं चाहेगा कि मेरे कलर कोडिंग रेड रहे। इसके ऊपर डायरेक्ट मॉनिटरिंग मैं भी कर रही हूँ और प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि कोई भी ट्वीट अगर मेरे ट्विटर पर आता है तो उसको मैं 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण करती हूँ। प्रधानमंत्री जी जब भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं तो सबसे पहले एम्बेसी को कहते हैं कि पराए देश में तुम इनके दोस्त हो, तुम ही अपने हो। और यहाँ तक के यूएई में तो बोलते हुए उन्होंने ई माइग्रेट की एक शिकायत थी, उसका भी जिक्र मंच से किया और कहा कि 17 सितंबर तक इसको ठीक करो। क्या कभी पहले किसी प्रधानमंत्री ने इन चीजों को अपनी प्राथमिकता में रखा है? इसलिए मैं कहना चाहूंगी अपने सांसद महोदय से, बिल्कुल चिंता नहीं करें, एक एक श्रमिक की, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो या ओमान में हो, हम लोग पूरा मन लगा करके अपने श्रमिकों का शोषण समाप्त करने की तरफ काम कर रहे हैं। एम्बेसीज में इतनी कसावट हम लोग लेकर के आए हैं। और मैं ये भी बता दूं माननीय सांसद को कि नियोक्ता वीजा नहीं, नियोक्ता नहीं देता वीजा, वीजा तो सरकार देती है, इसलिए वो अपने पास पासपोर्ट रख लेते हैं। ये आपकी शिकायत जायज है कि वो पासपोर्ट रख लेते हैं और पासपोर्ट नहीं देते। वीजा से नियोक्ता का कोई लेना देना नहीं है, वीजा तो एम्बेसी देती है। वीजा जब उनका खत्म हो जाता है तो वो एम्बेसी के पास आते हैं, एम्बेसी वीजा देती है, नियोक्ता वीजा नहीं देता। हाँ, ये शिकायतें होती थी कि वो पासपोर्ट रख लेते थे इसलिए आने नहीं देते थे। जो मैंने कहा कि ओपन हाउस होता है, वो एम्बेसी में आकर के बात करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि नियोक्ता से ही पासपोर्ट ले लें, और अगर नियोक्ता से पासपोर्ट नहीं मिलता तो वो एग्जिट सर्टिफिकेट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना करके देते हैं। और जिन चार श्रमिकों की बात वो कर रहे हैं, ऐसा कोई केस मेरे सामने आया नहीं। मैं आज ही कहना चाहती हूँ, चाहे वीरेंद्र कुमार जी स्वयं या वहाँ के सांसद, मुझे चारों श्रमिकों का केस दे दें, तुरंत हम उसका निराकरण करवाएंगे।